हेलो नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अब तक अपने 10 लेक्चर हो चुके हैं, आज का जो लेक्चर नंबर है 11। अपना जो चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके दो प्रॉपर्टी थे। पहले तो हमने पढ़ा कि फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर दो तरीके इस टॉपिक्स के अंदर, एक तो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे है उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, और एक फ्लूइड मोशन में है उसे बनना है डायनामिक्स। तो फ्लूइड एट रेस्ट पे आपने दो प्रॉपर्टी देखना है, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर के बारे में हमने पहले 10 लेक्चर अब तक देख चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, वो सभी बच्चों ने फिर से एक बार सारे लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। अब जो बच्चे नए होंगे उन सभी ने इस चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब फ्लूइड की सेकंड जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन, ठीक है। क्या होता है सरफेस टेंशन? सरफेस बोले तो जो ऊपर वाला पृष्ठ भाग जो होता है लिक्विड का, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे कहना सरफेस, और टेंशन बोले तो उसके ऊपर एक तरीके का फोर्स लगना, उस पार्ट को कंट्रीब्यूट करके हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो इससे पहले कई सारे एग्जांपल देखेंगे, कई सारे कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग डेफिनेशन की ओर जाएंगे, ठीक है। आप कई सारे एग्जाम्पल घर पे भी देखे होंगे, ठीक है। क्या होता है, मान लो कि कोई बकेट है, बकेट के अंदर आप इस तरीके से हाथ अगर डुबाते हो, ठीक है, और आसान से धीरे 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 निकालते हो, तो थोड़े देर तक क्या होता है, जब आप नॉर्मल उसे उस पानी की लेवल से थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, तो वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है आपके हाथों को नीचे की ओर खींचते हैं, और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का इतना ज़्यादा होता है कि वो हाथों को इतने आसानी से छोड़ता नहीं है। ये एक जो एग्जाम्पल है वो भी किसका, सरफेस टेंशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। कई बार आपने या तो एक पानी का हौद देखा होगा, या ड्रम देखा होगा, या कोई वाटर टैंक देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, मच्छर है, या फिर कई सारे इंसेक्ट्स है, वो क्या करते हैं, उस पानी पे तैरना लग जाते हैं, ठीक है। तो वो ना तो डीप में जाते ना ऊपर जाते, वो एक तरीके का क्या कर लेते, इस तरीके से तैरते रहते उस पे, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है सरफेस टेंशन का, ठीक है। मैं ये मार्कर से ये बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ, तो इंक के अंदर और इस बोर्ड के अंदर एक मॉलिकुलर अट्रैक्शन है, ठीक है। वो कौन सा है, क्या है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, सरफेस टेंशन के। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर शुरुआत में कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कैन यू रिकॉल पे, यू मस्ट हैव ब्लो सोप बबल इन योर चाइल्डहुड, व्हाट इज देयर शेप। आपने बचपन में एक सोप सॉल्यूशन लिया होगा और उसमें हाथ डिप किए होंगे, और फिर आपने क्या क्या होंगे, उसके बबल्स जरूर बनाए होंगे बचपन में, ये हर एक बंदा करता है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों ने भी किया है, ठीक है। जैसे ही उस बबल्स को आप एयर पास करोगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा बाहर की ओर निकल जाएगा। तो क्या होता है इससे, और उसका शेप कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा। तो कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल शेप। सेकंड है, व्हाई डज अ ग्रीस रेजर ब्लेड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कोई भी रेजर ले लो, ठीक है, ब्लेड ले लो, उसको ब्लेड को थोड़ा सा ग्रीसिंग ऑयलिंग अगर करते हो और पानी के अंदर फेंक देते हो, तो क्या होगा, फ्लोट होने लग जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, ये भी हम इस टॉपिक में देखेंगे, उसका सबका रीजन क्या है। थर्ड है, व्हाई कैन अ वाटर स्पाइडर वॉक कंफर्टेबल ऑन द सरफेस ऑफ स्टील वाटर। जो पानी का बहाव है वो एकदम स्टील है, ठीक है, उसका बहाव नहीं है, बोले तो लिक्विड रेस्ट पोजिशन पे, उस वक्त भी इंसेक्ट आसान तरीके से उस पर राइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्यों होता है, स्पाइडर वॉक कंफर्टेबल ऑन द सरफेस ऑफ स्टील वाटर, ठीक है।
इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे भी यही रीजन है जो हम जो पॉइंट देख रहे हैं, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन। ठीक है, फोर्थ है व्हाई आर फ्री लिक्विड ड्रॉप एंड बबल ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। अब उन्होंने सीधा कहा कि फ्री लिक्विड ड्रॉप जो होते हैं एंड बबल्स ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, तो क्यों होते भाई स्फेरिकली क्यों होते हैं और कोई शेप क्यों नहीं होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी है, पहले तो ये याद रखो कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन ये एक फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे पहली प्रॉपर्टी थी आपकी प्रेशर, तो उसी तरीके की सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सरफेस टेंशन। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा उस फ्लूइड को लागू होगी जो फ्लूइड एट ए टाइम रेस्ट पोजिशन पे है। ठीक है, मैं फ्लूइड फ्लोइंग स्टेट पे नहीं है, फ्लूइड हमेशा कौन से पोजीशन पे रहेगा, रेस्ट। और जैसे ही रेस्ट पोजीशन पे है तो ये प्रॉपर्टी का स्टडी करना है, अ लिक्विड एट रेस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी, जिससे सॉलिड के कई सारी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड के कई सारे होते हैं, गैसेज के कई सारे होते हैं। ठीक है, अब कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे, तो एक कोई एग्जाम्पल वाटर स्पाइडर वॉक, ग्रीस नीडल फ्लूट, रेन ड्रॉप एंड सोप बबल, ये सारे के कौन से शेप में होते बेटा, स्फेरिकल शेप में होते। क्यों होते, क्या होते, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये सबका एक ही रीजन है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये इस तरीके का एक फोर्स अप्लाइड होता है मॉलिक्यूल के अंदर, जो क्या करता है, मिनिमम सरफेस एरिया कवर करता है। जो सरफेस एरिया काफी लार्ज था, उस सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमम करता है। ठीक है, तो ऐसी एक कोई प्रॉपर्टी होती है, तो उसके बारे में आप डिटेल स्टडी करना है। अब उससे पहले कुछ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन देखेंगे, और उस थ्योरी के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होते जाएंगे वैसे आपके सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहली पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है भाई, जब आप क्लास के अंदर बैठे हो, एक बेंच के ऊपर दो स्टूडेंट बैठे हैं, मान लो एक आपका दोस्त है अजय और दूसरा दोस्त है विजय। ठीक है, दोनों एक ही क्लास के हैं। ठीक है, दोनों बॉयज ही है। ठीक है, और दोनों बच्चों के अंदर एक जो अच्छा उनका दोस्ताना है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे कौन सा बोलोगे बेटा, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो सेम मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, या फिर डिफरेंट मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। वही अजय का, अगर अजय की कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम है अनीता। ठीक है, अजय और अनीता का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये मैंने समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अजय डिफरेंट है बॉयज है, और अनीता क्या है बेटा, गर्ल्स है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। ठीक है, इनके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है, वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से, एक दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या करता है, इन दोनों को अट्रैक्ट करता है। ऐसे अट्रैक्शन को क्या बोलना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैटर, हर एक मैटर किससे बना बेटा, मॉलिक्यूल से, सॉलिड लिक्विड गैस ही कोई भी हो, ये सारे के सारे जो बना है वो कैसे बना बेटा, मॉलिक्यूल से बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड टू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो कोई भी दो मॉलिक्यूल, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो इनके बीच में एक इंटर बोले तो बीच में, ठीक है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, एक तरीके का जो फोर्स था वो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ही कहना इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सरफेस टेंशन पढ़ते वक्त ये इनिशियल पॉइंट है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दो टाइप है, एक है कोइशिव फोर्स और एक है एडिशिव फोर्स। तो कोइशिव फोर्स का मतलब क्या होता है, दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल, मान लो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गया तो क्या हो गया बेटा, O2 हो गया। तो सेम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसे क्या कहना बेटा, कोइशिव फोर्स। और ये जो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बोलना कोइशिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
और जो सब्सटेंस होंगे उसे को इश्यू सब्सटेंस कह सकते हो आप। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है एड इश्यू, तो एड इश्यू का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों ए मॉलिक्यूल है एक बी मॉलिक्यूल है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो अट्रैक्शन है इसे क्या कहना है बेटा, एड इश्यू फोर्स, ठीक है। ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे बेटा, एक अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे क्या करना, एड इश्यू फोर्स। तो कई सारे एग्जाम्पल है, ग्लास और वाटर अगर ले लो तो वाटर क्या होगा, ग्लास के अंदर वेट्स होने लग जाएगा, ठीक है। और तो ये एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी एक एग्जाम्पल है एडिशिव फोर्स का, ठीक है। अब कोएसिव फोर्स में क्या होता है कि सबसे ज्यादा कोएसिव फोर्स किसका होता है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा तो ये हमेशा किसका होगा बेटा, सॉलिड का ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूलर बहुत ज्यादा होते हैं और उनका अट्रैक्शन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक साइज होता है, एक शेप होता है, ठीक है। गैसेस को उस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, वो सिर्फ सॉलिड पे अप्लाई होता है, गैसेस पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है काफी वीक होते हैं, ठीक है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो, कोएसिव फोर्स सॉलिड का ज्यादा होगा और गैसेस का क्या होगा, कम होगा, इसलिए सॉलिड पे ही स्ट्रेस होगा, बोले तो उसको दोनों साइड रहेंगे, उसको जो खींचा होगा वो अलग तरीके का होगा, वो गैसेस में नहीं होगा, ठीक है, और उसे डेफिनेट शेप भी होगा, गैसेस को डेफिनेट शेप नहीं होते, ठीक है। तो ये रीजन किसके वजह से बेटा, कोएसिव फोर्स के वजह से। सेकंड है एडिशिव फोर्स, तो एडिशिव फोर्स ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बेटा, डिफरेंट, तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर का अट्रैक्शन होगा उसे बोलना एडिशिव फोर्स, और सेम मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होगा उसे बोलना कोएसिव फोर्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आप लोगों का रेंज, रेंज मॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या होता है बेटा रेंज मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करता है। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल से, मान लो ये ए मॉलिक्यूल है, इस ए मॉलिक्यूल की मैक्सिमम रेंज कहाँ तक है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, अगर वहां तक उसकी अगर कैपेसिटी है तो उससे बोलना रेंज। और ये ए मॉलिक्यूल इस बी मॉलिक्यूल को, यहाँ रहने वाला सी मॉलिक्यूल को अगर वो अपने ओर खींच रहा है तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक है, मान लो ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, ठीक है, अगर ये ए मॉलिक्यूल की मैक्सिमम रेंज अगर 5 मीटर तक है तो ये 5 मीटर तक उस मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, अपने ओर खींच सकता है, ठीक है, तो उसे कहना रेंज। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूल फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स। और वो ए मॉलिक्यूल उसके मैक्सिमम डिस्टेंस तक अगर बी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो इफेक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है बीच में नहीं कर रहा है, वैसा नहीं चलेगा, वो आखिरी तक उस मॉलिक्यूल को अपने पास ला सके, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स। अब लास्ट पॉइंट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जब ए मॉलिक्यूल ने बी मॉलिक्यूल को अपने ओर जो खींचा था तो ये थी उसकी रेंज। अब ये जो रेंज है ये उसके ऑल सराउंडिंग में कवर अप करेगा, ठीक है, जब ये पूरे के सराउंडिंग में कवर अप करेगा तो एक तरीके की एक रेडियस ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रेडियस है तो ए मॉलिक्यूल ने बी को अट्रैक्ट कर रहा है, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, आई को, कई सारे जो मॉलिक्यूल्स है सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो एक तरीके का एक स्फीयर बना, ठीक है, इस स्फीयर, ठीक है, ये जो स्फीयर बना ये इसकी जो रेडियस है ये सेम होंगी, मान लो ये 2 मीटर की रेडियस है तो ऐसे भी 2 मीटर की होंगी, ऐसे भी 2 मीटर की होंगी, ऐसे भी 2 मीटर की होंगी, सारी रेडियस ही कितनी होंगी, 2 मीटर की होंगी। तो ये इसे कहना ये जो स्फीयर है इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट द सेंटर, मॉलिक्यूल का है बेटा सेंटर में, एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूल रेंज, ठीक है, ये जो रेंज थी ये सब तरह इक्वल रेडियस है, ठीक है, और ये जो ड्रॉ हुआ एक जो स्फीयर ड्रॉ हुआ इसे कहना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है।
थैंक यू। अभी जो पॉइंट चल रहा है बच्चों, सरफेस फिल्म और फ्री सरफेस सॉफ्ट लिक्विड, इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बताना हूँ। तो देखिए, सरफेस फिल्म क्या होता है? फिल्म का मतलब होता है एक तरीके का लेयर, और सरफेस का मतलब होता है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है लिक्विड का, ठीक है। उस लिक्विड वाले लेयर के ऊपर एक जो जो लेयर होता है लिक्विड का, ठीक है, उसे क्या कहोगे? सरफेस फिल्म। फॉर एग्जाम्पल, एक काम करो, आप घर पे भी कर सकते हो, एक बॉटल पानी का लो या फिर एक बकेट में पानी लो और उस पर दो चार ड्रॉप ऑयल के डाल दो, ठीक है। तो ऑयल के या केरोसिन के, ठीक है, केरोसिन के अगर दो ड्रॉप भी आप उस पर डाल रहे हो तो ऊपर वाला जो एक लेयर तैयार हो जाएगा, उस लेयर को क्या बोलना? बस सरफेस फिल्म। बोले तो एक तरीके की थिनेस्ट मॉलिक्यूल हो जाए, ठीक है, एक लेयर होता है कई सारे। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर मान लो मैं ये बकेट ले रहा हूँ और इस बकेट के अंदर ये पानी था इस तरीके का, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? ऑयल के कुछ ड्रॉप डालता हूँ, केरोसिन के, ठीक है, ये दो तीन ड्रॉप डालता हूँ। जैसे ये दो तीन ड्रॉप डालो तो ये क्या हो जाते? इस तरीके से फैलना शुरू हो जाते, ठीक है। तो ये एक तरीके के मॉलिक्यूल का एक तरीके का लेयर तैयार हो जाता है, ठीक है। ये जो लेयर तैयार होता है, इस लेयर को क्या कहेंगे हम? सरफेस फिल्म, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विद थिकनेस, तो ये हो गई देखो इसकी थिकनेस, ठीक है। एक तरीके की क्या होती है बेटा? थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स, और इक्वल टू द क्या बोल रहा है? रेंज ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स। बोले तो ये केरोसिन की जो मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल, यहाँ एक मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सारे एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट करते वक्त एक तरीके का एक लेयर तैयार होगा, उस लेयर को बोलोगे सरफेस फिल्म, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, द सरफेस लेयर, ठीक है, ऊपर वाला लेयर ऑफ लिक्विड, लिक्विड को जो कि क्या है? थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो इसका मतलब हुआ जो मॉलिक्यूल तो यहाँ था, इन दोनों को मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके का क्या हो जाएगा बेटा? एक रेंज तैयार हो जाएगा, एक तरीके का एक लेयर तैयार हो जाएगा, एक थिकनेस तैयार हो जाएगी। इस थिकनेस को आप बोलोगे सरफेस फिल्म, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब क्या होता है? वो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है लिक्विड का, वो टोटली क्या होता है? फ्री होता है, मतलब उस पर किसी तरीके का बंधन नहीं होता है कि वो लिक्विड ही होगा, ठीक है। नीचे वाले हिस्से में क्या होगा? जैसे बकेट का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है बेटा? फ्री, ठीक है। मतलब तो वो किससे कॉन्टेक्ट में रहता है? एयर से कॉन्टेक्ट में रहता है, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है? लिक्विड से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बकेट में पानी लिया और ये जो है यहाँ का जो लेयर है, ये जो लेयर है ये वाटर से कनेक्टेड है और ये जो लेयर है वो एयर से कनेक्टेड है। तो ये जो लेयर तैयार हुआ है एक तरीके का, इस लेयर को जो सरफेस फिल्म तैयार हुई उसे मैं क्या कहूंगा? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। बोले तो वो जो सरफेस है वो फ्री है और वो कॉन्टैक्ट में है। किसके बेटा? एयर के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो इंटरफेस बिटवीन लिक्विड वाटर एंड द एयर, इंटरफेस बिटवीन, ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड वाटर, लिक्विड एंड एयर, सॉरी लिक्विड एंड एयर, जो एयर और लिक्विड के बीच वाला जो हिस्सा होता है उस पार्ट को आप क्या कहोगे? फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस, ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये जो डायग्राम दिख रही है एक से लेके वाई तक का जो पूरा लेयर है, उस लेयर को आप क्या कहोगे? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो जो पार्ट है, ठीक है। सरफेस फिल्म का मतलब अलग है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का मतलब अलग है। सरफेस फिल्म बोले तो एक तरीके का ऊपर वाला लेयर, ठीक है, और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बोले तो उस सरफेस फिल्म का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एयर से कनेक्टेड है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो लिक्विड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो दोनों के बीच में इंटरफेस कर रहा है, इंटरफेस बिटवीन लिक्विड वाटर एंड एयर, उसे क्या कहोगे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब हम देखेंगे इंटरमोलिकुलर बेसिस ऑफ
मॉलिकुलर थ्योरी या फिर सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर थ्योरी। तो ये जो डायग्राम दिख रही है आप लोगों को, यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, ये एक इमेजिनरी ड्रॉप है, ए ड्रॉप, बी ड्रॉप और सी ड्रॉप, ठीक है। मैंने ये बकेट ले ली, इसके अंदर ये वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ए मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये डीप है, इनसाइड है, ठीक है। और बी मॉलिक्यूल जो जिसका मैक्सिमम पोर्शन लिक्विड के अंदर है, ब्लड फ्लूइड के अंदर है, और मिनिमम पोर्शन जो है उसका एयर के साथ कांटेक्ट है, एयर और लिक्विड, ठीक है, ठीक है। और सी जो मॉलिक्यूल है उसका 50% पार्ट जो है कनेक्टेड विथ एयर, और 50% पार्ट किससे है, लिक्विड से, ठीक है। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है, ये थ्योरी अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो सरफेस टेंशन ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरी, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन मॉलिक्यूल की थ्योरी है, ठीक है। और ये एग्जाम या फिर ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई तीन मॉलिक्यूल ए बी सी जो कि एक बकेट के अंदर या सॉल्यूशन कंटेनर के अंदर मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। ए मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड सॉल्यूशंस, बी मॉलिक्यूल मैक्सिमम पोर्शन इज कनेक्टेड विद द लिक्विड एंड मिनिमम पोर्शन विद कनेक्टेड विद एयर, और सी मॉलिक्यूल्स आर 50% पार्ट इनसाइड द लिक्विड और 50% पार्ट अबाउट द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो ये मैंने किया, तो इसमें मुझे रिजल्ट क्या मालूम हुआ, देखो अगर मैं ए मॉलिक्यूल की अगर मैं स्टडी करूँ तो ए मॉलिक्यूल तो अंदर है, और अंदर तो कई सारे मॉलिक्यूल है लिक्विड के, वाटर मॉलिक्यूल कई सारे, ये सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ए मॉलिक्यूल को अपने ओर खींच रहे हैं, ठीक है। ये ए को इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस पर इक्वल फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ऑल डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है। तो जैसे इस पर इक्वल फोर्स ऑल डायरेक्शन में जब अप्लाइड हो रहा है तो क्या होगा, इसका नेट फोर्स जो है ना वो क्या होगा बेटा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और कोई इशू फोर्स का मतलब क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है, तो सारे मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। और ये सारे के सारे सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कोई इशू फोर्स का जो नेट रिजल्ट है वो जीरो हो जाएगा। मतलब अ कंप्लीट इनसाइड द लिक्विड ए मॉलिक्यूल इज एक्टेड अपॉन इक्वल कोई इशू फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ कोएशियल फोर्स जो है वो कैसे हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और नेट कोएशियल फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इस रिजल्ट क्या आएगा बेटा, जीरो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नेट कोएशियल फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, जीरो होगा या वन होगा या मैक्सिमम या मिनिमम, तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बी मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो बी का लार्ज पार्ट क्या है बेटा, वाटर के अंदर है, और उसका मिनिमम पार्ट एयर के साथ कनेक्टेड है। अब आप ही बताओ ये जो सेम मॉलिक्यूल है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पानी के नीचे की ओर खींच रहे हैं, ठीक है, थीके? और कुछ मॉलिक्यूल से क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर खींच रहे हैं। अब ऊपर वाले मॉलिक्यूल तो कम है और नीचे वाले लिक्विड मॉलिक्यूल क्या बेटा, ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से क्या कर रहे हैं, वो बी मॉलिक्यूल को अपने तरफ लिक्विड के अंदर इनसाइड खींच रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इसका जो कोएशियल फोर्स है वो यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कंपेयर टू इससे, ठीक है, क्योंकि सरफेस के ऊपर वाले हिस्से में सरफेस का जो लेयर होता है वहां बहुत ज्यादा टेंशन होता है। तो टेंशन क्यों होता है, तो उसका सही रीजन क्या है कि वहां कोएशियल फोर्स मैक्सिमम होता है। आपको क्वेश्चन में पूछा कि कोएशियल फोर्स क्या होता है, तो कौन से पार्ट में होता है, ऊपर वाले, लार्जर पार्ट इनसाइड द लिक्विड, स्मॉल पार्ट इन एयर, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोएशियल फोर्स एक्ट ऑन लिक्विड मॉलिक्यूल, बी गेट अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड। जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, नीचे की ओर चलेगा। तो इससे क्या मालूम हुआ, इससे कोएशियल फोर्स ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन कोएशियल फोर्स ऑफ एयर, ठीक है। एयर का जो कोएशियल फोर्स था वो कम होगा किससे, कंपेयर करें तो लिक्विड से, तो इसलिए ये बी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। अब सी मॉलिक्यूल के बारे में अगर मैं स्टडी करूँ तो 50 पार्ट एयर के साथ है और 50 पार्ट
लिक्विड के साथ है। तो यह 50 पार्ट एयर से कनेक्टेड, तो एयर की डेंसिटी हमेशा क्या होती है बेटा, लो होती है, और लिक्विड की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, डेंसिटी क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेंगी। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल को अपने और खींचने लग जाएंगे। ठीक है, वहाँ कोहेसिव फोर्स भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किससे, कंपेयर टू गैसेस से। तो देखो हाफ पार्ट लिक्विड में है और हाफ पार्ट का है बेटा एयर में। यहाँ डेंसिटी वाटर की क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू गैस है। ठीक है, एडिशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसे पुल द मॉलिक्यूल अबाउट द लिक्विड सरफेस। ठीक है, जो गैसेस मॉलिक्यूल वो अपने ओर खींच रहा है, लेकिन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा होने से वो नीचे की ओर खींच लेंगे उसे। ठीक है, एडिशनल फोर्स इज लेस कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। और फाइनली सी मॉलिक्यूल क्या होगा, अट्रैक्टेड हो जाएगा इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो है सरफेस टेंशन। ठीक है, अब सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है और सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग स्टडी करेंगे। अब सरफेस टेंशन, मैंने काफी बार आप लोगों को बताया कि सरफेस टेंशन क्या होता है, एक मिनिमम एरिया क्या करता है, एरिया को क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है। ठीक है, और वो एरिया श्रिंक होने के वजह से उसके ऊपर एक सरफेस, एक टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, उसे क्या करना है, सरफेस टेंशन। तो देखो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ठीक है, इस मॉलिक्यूल ए कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल बी है और ये मॉलिक्यूल सी है। ठीक है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या ड्रॉ की बेटा, टेंजेंट ड्रॉ की, और ये है डी मॉलिक्यूल, ये भी क्या बेटा, इसकी टेंजेंट। ठीक है, अब मैं जैसे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो फोर्स, ठीक है, ये हो गया इस पर फोर्स। ठीक है, अब ये सारे पार्ट्स को मैं एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, तो ये क्यों रहे, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये कोहेसिव है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल होंगे तो कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट होंगे तो एडिशिव। ठीक है, तो ये इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक लेंथ ड्रॉ हो जा रही है। ठीक है, ये जो लेंथ जो ड्रॉ हो रही है तो इसे मैं बोलता हूँ लेंथ। ठीक है, अब टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो डेफिनेशन समझ में आ रही है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स, ये जो फोर्स था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सरफेस टेंशन। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जैसे बकेट ली, इसके अंदर ये वाटर ले लिया, और इसके अंदर ऊपर से मैंने दो तीन ड्रॉप ऑयल के डाल दिए, तो जैसे ऑयल के डाले तो एक तरीके का ये लेयर तैयार हुआ। ठीक है, अब ये जो लेयर तैयार हुआ इस तरीके का, ये काफी पतला होता है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस काफी कम होती है, मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया कि ये एक तरीके का लेयर तैयार हुआ। ठीक है, अब जैसे ये लेयर तैयार होता है, ठीक है, ये जो लेयर तैयार हो रहा है, अब ये लेयर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाली जो साइड है उसे एल और नीचे वाली साइड भी एल, तो क्या होता है, जैसे ये मान लो ये एक तरीके का लेयर है, तो ये साइड भी कंसीडर होंगी और ये साइड भी रहेंगी। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल को क्या हो गया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर का ये टेंशन, ठीक है, तो इसे मैं टेंजेंशियल इस तरीके से कर लेता हूँ, इस तरीके से, यहाँ बी मॉलिक्यूल है तो ये टेंजेंशियल फोर्स, या सी मॉलिक्यूल है ये टेंजेंशियल फोर्स, ये डी मॉलिक्यूल है टेंजेंशियल फोर्स, ये ई मॉलिक्यूल है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये एक दूसरे को इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को क्या कर लेते बेटा, अट्रैक्ट कर लेते, ये ऊपर वाली लेंथ और ये नीचे वाली लेंथ। तो कई सार ऐसे भी बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ट्वाइस ऑफ द लेंथ, ऐसा ही आप बोल सकते हो। तो ये होगी बच्चों इसकी डेफिनेशन, समझ में आई क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। अब ये जो लाइन है ये कैसी बेटा, इमेजिनरी है। ठीक है, ये वाटर सरफेस ये दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा, ऑयल का सरफेस है, ये ऊपर हम नहीं दिखेगा। ठीक है, ये कौन सी लाइन है बेटा, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ड्रॉ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड।
हो गया सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का मतलब क्या होगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेंथ है मीटर, न्यूटन मीटर, फिर डाइम पर सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरीके से इसका डायमेंशंस होता है। अब ये जो डायमेंशंस हैं इस तरीके से न्यूटन पर मीटर, डाइम पर सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमेंशन है M1 L0 T-2, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एनर्जी, ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आपको सरफेस टेंशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखो सरफेस ये हर एक ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लिक्विड डाल दिया, ठीक है, वाटर है और इस वाटर के ऊपर मैंने ऑयल ड्रॉप ले लिए, तो ये जैसे ऑयल ड्रॉप के ले लिए तो ये एक तरीके का लेयर तैयार हुआ। अब ये जो लेयर तैयार हुआ, इस लेयर के अंदर एक तरीके की एनर्जी है बेटा, क्यों, क्योंकि ये एक रेस्ट पोजीशन पे है। और आप लोगों को मालूम है रेस्ट पोजीशन पे कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब रेस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा, मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, इसलिए तो ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा रहे या फिर नीचे नहीं जा रहे, ये रेस्ट है इसलिए इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये ए मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर लिया है, इन्होंने एक दूसरे को बांध लिया है, ठीक है, तो उनके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी, इस एनर्जी को क्या कहेंगे हम, सरफेस एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। तो ये क्या देख रहा है बेटा, लिक्विड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, अब ये इसने गिवन एरिया कवर कर लिया, ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज सरफेस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब इसका मैं एक्सप्रेशन बताता हूँ, बचपन में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे घर पे, आप भी कर सकते हैं अभी भी। एक क्या करना है, एक प्लास्टिक की इस तरीके की एक स्ट्रिप्स आती है, ठीक है, वो लेना और इसे एक धागे से बांध लेना, ठीक है। अब ये धागा कैसा ही हो, इस तरीके से बांध देना, अब क्या होगा, और यहाँ ऐसे कुछ पॉइंटर रखना, ठीक है, जो कि ये इस तरीके से मूव भी हो सके और इस तरीके से मूव हो सके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये एक मैंने लेयर ले लिया, उसे मैं नाम दे रहा हूँ P Q S और R, और ये जो पार्ट है ये मूवेबल पार्ट है, ठीक है, ये जो है ये मूवेबल है, ठीक है, मतलब तो इसे आप जैसे फोर्स अप्लाइड करोगे ये यहाँ भी मूव हो सकता है, इस तरीके से फोर्स अप्लाइड करोगे तो यहाँ, तो इस साइड में जैसे, तो इसे क्या करना है, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डीप करना है, जैसे डीप किया तो एक तरीके का लेयर तैयार हो जाएगा, एक फिल्म तैयार हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में एक फिल्म तैयार होगी, ठीक है, उस फिल्म को आप क्या कहते हैं, सरफेस फिल्म, ठीक है। अब ये जो मिनिमम लेयर तैयार हुआ लिक्विड का, अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे फोर्स अप्लाइड करते ही क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन क्या होता है, लेंथ, ठीक है। अब हम ऊपर वाली साइड भी नीचे वाली साइड भी, तो इसलिए मतलब फोर्स अपॉन क्या हो गया बेटा, 2L, ये समझ में आऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ट्वाइस ऑफ द लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू आर टेंशन मल्टीपल बाय ट्वाइस ऑफ द लेंथ। अब इनका रिलेशन अगर देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे क्या कर रहा हूँ, डीप सॉल्यूशन करने के बाद में मैं इसे स्ट्रेस फोर्स अप्लाइड करके इसे थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो इसे मैं नाम दे रहा हूँ Q- और इसे नाम दे रहा हूँ R-। तो जैसे ये मूव होने गया इस तरीके से, तो ये जो फोर्स अप्लाइड हुआ इसे मैं बोलूँगा F1-, ठीक है। जैसे ये इसे कहूँगा F1-, तो अब मैंने एक तरीके का फोर्स अप्लाइड किया, तो ये इसने क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन का मतलब क्या होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स जो अप्लाइड हुआ वो क्या हुआ बेटा, F-, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, dx। अब मुझे बताओ ये फोर्स और ये F-, दोनों की वैल्यू क्या बेटा, इक्वल। F- इज इक्वल टू क्या रहेगा,
एफ डैश इज इक्वल टू टेंशन मल्टीपल बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ और dx ये हो गया। अब मुझे तुम बताओ 2L dx इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है एरिया, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन मल्टीपल बाय dA, टेंशन मल्टीपल बाय dA, तो ये टेंशन मल्टीपल बाय dA, तो ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन का मतलब हो गया टेंशन मल्टीपल बाय चेंज ऑफ द एरिया। ये हो गया रिलेशन बिटवीन किसका, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का। तो बच्चों एक एक मार्क्स के लिए ये कंसेप्ट आ सकती है, मुझे आशा है कि आप लोगों के सारे कंसेप्ट समझ में